हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की सब्जी। जब आपके पास लॉकडाउन में सब्जी ना हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े टमाटर, 2 हरी मिर्ची और 2 मैंने प्याज को लंबे लंबे काट लिए हैं। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने बेसन लिए हुए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हुए हैं, जैसे कि गर्म मसाला, धना पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से और मसाले डार ऐड कर सकते हैं उसमें। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है। इसके बाद इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम साइड में पानी गरम करने के लिए चढ़ा देंगे, क्योंकि हम जब बेसन में पानी ऐड करते हैं तब हम उस बॉयल पानी हम ऐड करते हैं ताकि जो बेसन है उनमें गांठे ना पड़े। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पानी गरम चढ़ा दिया है। इसके बाद मैंने कटी हुई मिर्ची डाल दिया है इसमें। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। लंबे लंबे प्याज काटने से क्या होता है कि जो बेसन का जो टेस्ट है वो इन्हेंस होके आता है, इसलिए आप जब भी प्याज काटें तो लंबे लंबे काट के ही आप इसमें यूज़ करें। ये देखिए, मैंने लंबे लंबे प्याज काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें अच्छे से चम्मच चलाएँगे हम और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन कलर ना हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें अच्छे से चम्मच चलाएँगे। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये रेसिपी बहुत सारे लोगों को पता चले, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा होता है कि हमें सब्जियां मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। ये देखिए, हमारा जो प्याज है वो एकदम ब्राउन कलर हो चुका है। हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे सारे। मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2 मिनट ही भूनना है ताकि वो प्याज में मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए, इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला पूरे अच्छी तरह से भुंज गया है। ये देखिए, अब इसमें टमाटर जो हमने बड़े बड़े 2 लिए थे उन्हें अच्छी बारीक काट के डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसे गलने देंगे। इसमें तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। जब सब्जी मसाले भूनते हैं, जब ऑयल छोड़ने लगता है, मतलब समझ जाइए कि आपका मसाला अच्छे से भून चुका है। इसके बाद आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे ढक के पकाएंगे अच्छे से ताकि इसमें जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। ये देखिए, हमारा पानी बॉयल हो चुका है, हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारे मसाले भी पक चुके हैं अच्छे से और ये धीरे धीरे तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसन ऐड करेंगे। बेसन को क्या करना है, बेसन ऐड करने के बाद हमें इसे लो मीडियम पे चलाना है चम्मच, ताकि जो हमारा बेसन है वो जले ना। ये देखिए, हमने बेसन ऐड कर दिया इसमें और अच्छे से चम्मच चलाएंगे, जो बेसन के जो गांठे हैं वो बिल्कुल भी ना हो, ताकि हमारा जो बेसन की सब्ज़ी है वो एकदम खिली खिली बने। ये देखिए, और इसे लो फ्लेम में ही पकाइएगा, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाता है और ये चिपकने भी लगता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे इस तरीके से। अब इसमें ये ज़रूर बात याद रखिएगा कि जो बेसन है, मैं पानी ऐड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और जब थोड़ा पानी ऐड करेंगे तो चम्मच चलाइएगा, फिर थोड़ा पानी ऐड करेंगे चम्मच, ताकि उसमें जो लम्स हैं वो बिल्कुल भी ना रहें, गांठे बिल्कुल भी ना रहें। ये देखिए, इस तरीके से, और एकदम हॉट वाटर होना चाहिए इस तरीके से, और हम इसको चम्मच चलाएंगे अच्छे से प्रेस कर कर के इस तरीके से, ताकि जो गांठे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम एकदम से पानी डाल देते हैं तो वो गांठे दूर नहीं हो पाती और हमारी सब्ज़ी बहुत पतली हो जाती है। देखिए, इस तरीके से हम बेसन को भूनेंगे अच्छे से, और इसमें फिर पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, और फिर हम धीरे धीरे चम्मच चलाएंगे। और ये भी प्रोसेस लो फ्लेम में ही कीजिएगा, क्योंकि हम एकदम हाई फ्लेम में करेंगे तो ऑलरेडी हमारा पानी बॉयल वाला है और ऊपर से नीचे से हाई फ्लेम मिलेगा तो वो एकदम से पकना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लो फ्लेम में क्या होता है, हमें मिक्स करना बहुत ईजी पड़ जाता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम में ही करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से, और हम और पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन यूज़ किया था, उसके हिसाब से इतना पानी सफिशियंट है, इसलिए मैंने इसे इतना ही पानी ऐड किया हुआ है इसमें।
इसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे और हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो सब्जी की कंसिस्टेंसी होती है ना उतनी तक ही पकाएंगे। ये देखिए हमारी सब्जी है, इतना ही पकाएंगे, जो मैंने पानी लिया था उसका आधा हो चुका है। ये देखिए हमारी सब्जी इसमें, और ये क्या होता है, बेसन क्या होता है, रखे रखे गाढ़े भी होते हैं, तो इसे ज़्यादा गाढ़ा ना कीजिएगा, इतनी ही सफिशियंट होता है। इसमें हमने मैंने हरी पत्ती धनिया डाली है, हरा धनिया डाला है इस पर। ये देखिए इस तरीके से, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि ये कैसी बनी थी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अब उबाल आ चुका है इस सब्ज़ी में, जो धनिया पत्ती है उसका फ्लेवर भी उसमें आना चाहिए, इसलिए आप जब भी धनिया पत्ती डालें तो एक उबाल आने दें, ताकि जो हमारी धनिया पत्ती है उसका फ्लेवर ज़रूर आए। ये देखिए हमारा बेसन रेडी है।